एफसी एशिया कप में खराब प्रदर्शन करने के बाद इंडिया को फिर से एक मौका मिला है साबित करने के लिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर मैच होने वाला है। ये मैच जी होने वाला नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत ही टफ होगा। आपको अच्छा से इस नॉलेज से के लिए से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया को कुछ सफलता मिल सकता है। अभी इंडिया ग्रुप ए में थर्ड स्थान पर है, पहले स्थान पर कतर है, दूसरे स्थान पर कुवैत है। इंडिया को एक जीत और हार हुआ था, इसीलिए वो थर्ड स्थान पर है। अभी तो इंडिया को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अच्छा से खेलना पड़ेगा, तभी जाके वो जीत सकता है। क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप स्टेज पर टॉप टू में आना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वालिफाई कर सकता है, नहीं तो राउंड के लिए वो खेलना पड़ेगा। इंडिया का मैच होने वाला है अफगानिस्तान कुवैत कतर के साथ होने वाला है 21st 2024 को, अफगानिस्तान के साथ होने वाला है उसके होम ग्राउंड पर। उसके बाद March 26, 2024 अफगानिस्तान के बीच फिर से इंडिया में होने वाला है। उसके बाद June 6, 2024 कुवैत के साथ इंडिया में होने वाला है वो मैच, और June 11, 2024 कतर के होम ग्राउंड में होने वाला है, कतर के साथ ही होगा। उसके बाद November 21, 2024 कतर के साथ इंडिया में होने वाला है। तो मैं इंडिया को जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वालिफायर नहीं कर सकेगा। से मेरा होप तो इतना नहीं है कि एफसी एशिया कप में कैसा खेला, कैसा प्रदर्शन किया इंडिया ने, कॉन्फिडेंस लेवल तो नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी विश्वास है इंडिया अच्छा करेगा। सेफ कप में भी अच्छा से इंडिया खेला था, से भी करके अच्छा ही खेला था, तो इस बार भी वो अच्छा खेलेगा। कुवैत और कतर बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, हम लोग उसको इजी से नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ही टफेस्ट टीम है। लेकिन अफगानिस्तान थोड़ा एडिक्टेबल है, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फिर भी आई होप अच्छा से खेले। इंडिया क्यों नहीं अच्छा से डेवलप नहीं कर पा रहा है, मेरे हिसाब से लिमिट रिसोर्सेस है इंडिया के पास, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इंडिया को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। और उसके साथ भी इंडिया का टीम जो स्ट्राइकर है और अच्छा अच्छा जो प्लेयर्स है, वो लोग ज़्यादातर इंजियर हो जाता है, तो बैकअप में हम लोगों को अच्छा से अच्छा हम लोगों को प्लेयर्स को पड़ेगा और डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन फुटबॉल थोड़ा बहुत डाउन में है। वैल्यू तो सब लोग देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है तो वो लोग थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तभी जाके फुटबॉल थोड़ा स्ट्रॉन्ग थोड़ा डेवलप होगा इंडिया में। मैं एक वीडियो देख रहा था, जो इंडिया का हेड कोच है इगोर स्टिमेक, उसने बोला था कि मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ कि मैं जिका दूँ। बोला हम लोगों को सालों साल बर्निंग होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जाके इंडिया कर सकता है, एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, थोड़ा पैसा ढलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तभी जाके इंडिया कुछ ना कुछ तो कर सकेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।